मस्त मस्त। प्रोग्राम खत्म हो गया है लेकिन अभी तक उसका भूत उसके सर से उतरा नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़ा। कुछ बट फिट फाइन एकदम। हाँ नीनाथ, ओमकार, हमें ध्यान रखना होगा कि कल की जीत कहीं इस लड़की के सर न चढ़ जाए वरना ये हमारे सर पर चढ़ जाएगी। सही से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है बड़ी मामी। वैसे इसने कल जो कुछ भी किया उसका मकसद तो आप तीनों को इम्प्रेस करना ही था और इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अपने मकसद में तो कामयाब हो ही गई है। पत्र लिखा, ये डांस वांस, इनाम विनाम, ट्रॉफी वफी वो सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने हमें वहां कैसे बुलाया। वही नहीं, वो तो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। हाँ दादा, मेरी तो जैसे सांसें अटक गई थी। आई आपको ये गाना याद है? अरे क्यों याद नहीं होगा, मेरी बेटी जिस गाने पे डांस करेगी वो गाना मुझे पहले कैसे याद नहीं होगा। सही, तुम्हारे दोस्तों ने इस प्रोग्राम की शूटिंग तो की होगी ना, वीडियो शूटिंग? हाँ किया ना, और मेरे डांस की नहीं बल्कि विराट सर की भी परफॉर्मेंस की शूटिंग करी है। अच्छा, और आपको पता है उन्होंने मेरा जो विनिंग परफॉर्मेंस है ना वो अपलोड भी कर दिया और सोशल मीडिया पे लाइक्स पे लाइक्स, लाइक्स पे लाइक्स, लाइक्स पे लाइक्स आ जा रहे, आ जा रहे, आ जा रहे। मुझे भी भेजोगी वो शूटिंग? मुझे ना अपने आई को दिखानी है, बाबा को दिखानी है, बहन को दिखानी है, सबको दिखानी है। देखो 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 मेरी बहू कितनी टैलेंटेड है, देखो। आई आपको मेरा परफॉर्मेंस वाकई इतना अच्छा लगा? अरे मुझे बहुत 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 अच्छी लगी, सच्ची मुझे तो एकदम गर्व महसूस हो रहा था। तुम्हें तो बस मैं देखती ही रही, मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी तुमसे। सही सच में कहती हूँ, अगर तुम डांस की शिक्षा बचपन से ही लेती ना तो आज तक दुनिया की मशहूर डांसर बन जाती। मशहूर डांसर डॉक्टर सई जोशी, क्या कहते? वो तो पता नहीं आई कि इतनी अच्छी डांसर होती या नहीं, लेकिन इतने सालों बाद स्टेज पर डांस करके ना मुझे एक बात का तो भरोसा हो गया कि मैं डांसिंग को मिस बहुत करती हूँ। आपको पता है आई, गढ़चिरौली में ना मेरी डांस टीचर भी थी, मैंने सीखना शुरू ही किया था लेकिन आपको पता है वो कहती थी कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन मुझे लगता है ना वो खुद ही बहुत टैलेंटेड थी। अगर मुझे उनकी जैसे कोई टैलेंटेड डांस टीचर मिले ना तो मैं फिर से डांसिंग सीखने के बारे में सोच सकती हूँ। सोचो सोचो। अरे इसे नाच वाच सीखने की क्या जरूरत है, ये तो वैसे ही सबको अपने उंगलियों पे नचाती है। कल देखा ना विराट को भी नचा दिया इसने। सोनाली काकू, सीखना ना कभी बंद नहीं करना चाहिए, और ये बात तो सब जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इनफैक्ट पता है क्या काकू, आपको ना मेरे साथ क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, मिलके डांस करेंगे बहुत मजा आएगा, और फिर क्या पता आपसे ताल मिलाते मिलाते हमारा तालमेल बैठ जाए। टोका फिर ले तुझे। हाँ वहिनी को डांस क्लास, वहिनी को डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए बोल रही है तू? खरा बोलता है, पागल हो गई है ना, दिमाग खराब हो गया इसका। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बस हो गया तेरा ये नाचना और झूठ बोलकर दूसरों को अपने इशारों पर नचाना। कल तूने जो धोखाधड़ी की है ना हमसे, ना ही वो मैं कभी भूलूंगा, ना ही तुझे उस बात के लिए कभी माफ करूंगा। और अगर तेरे उस झूठ की वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ता तो कौन जिम्मेदार होता?
घबराइए मत काकू, आपको दिल का दौरा नहीं पड़ता और इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि आपको कुछ नहीं होगा। अरे ये छोटे मोटे झटके तो आपके दिल के लिए बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। हाथ काट। नाश्ता बंद। सुबह सुबह महाभारत। तू चुप रहना, ये सब तुझे खेल लगता है? हाँ? हमारी भावना के साथ ऐसा खिलवाड़ करके क्या मजा आता है तुझे? सही, बोलने दे इन्हें। मुझे तो लगता है ये कल के सदमे से बाहर ही नहीं आए हैं। हाँ सही बेटा, बहस करके और परेशान मत कर उन लोगों को, तू चुप हो जा। मैं क्यों चुप हूँ बुआ जी? मैंने इन लोगों को इसलिए बुलाया था इवेंट पर ताकि ये लोग एंजॉय करें, और ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। अपनी मौत की झूठी खबर फैलाना कोई नॉर्मल इंसान का काम होता है क्या? अब आप कुछ भी कहो बाबा, मेरा प्लान तो काम आ गया, आप लोग फंक्शन पर आने के लिए मजबूर हो गए। रहनी, दादा मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे बुढ़ापे में ये लड़की हमें अपने हाथों की कठपुतली बना के छोड़ेगी, देख लीजिए। और नहीं तो क्या, इसकी हरकतों से हम सबको पता चल ही गया है कि इसमें ये करने की हिम्मत और काबिलियत दोनों है। अरे छोड़ो सोनाली, इसके इशारों पर नाचने से पहले तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। विनोद मामा, अपनी जान लेना बुजदिलों का काम होता है। क्या बुजदिल है मावा? ए लड़की बस मुझे और गुस्सा मत दिलाना, बता रहा हूँ मैं। मुझे आपका गुस्सा शांत करने का तरीका और तरकीब अच्छी तरीके से पता है। हाँ सबत है इसको, बाजू हो। देखा कैसे दादा के साथ बात टॉक वार्तालाप कर रही है, ये सब ना आपके लाड़ प्यार लव का नतीजा है। हाँ सुमाली, अरे मैं मेरी बहू को प्यार करूं लाड़ करूं, तुम्हें उससे क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ है वही, ये आपकी बहू की वजह से मेरी बहू भी बदल गई है। आई, मैं कहां से बीच में आ गई इन सबके? बगितला अब जबान भी लड़ाने लग गई है। सुनाली काकू, कल जब आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आई थी तो आप तालियां बजा रही थी, खुश थी, स्माइल कर रही थी ना, कितनी प्यारी स्माइल है आपकी, कर रही थी ना? क्या बोलते हैं? अरे तेरा ध्यान मेरी स्माइल पे था या अपनी परफॉर्मेंस पे? हाँ गाइस प्लीज चुप हो जाओ ना आप लोग। और सही तू कितना बोलती है ना, तू भी, तू देखना एक दिन ना ये सब तेरे मुंह पे टेप लगा देंगे। अच्छा चल छोड़, ये बता तू कुछ डांस क्लास की बात कर रही थी ना, मैंने अभी आते हुए सुना, क्या हुआ उसका, यूटर्न क्यों मार लिया उस बात से? क्योंकि मेरे डांस क्लास ज्वाइन करने से यहाँ सबको प्रॉब्लम है। क्यों? हाँ प्रॉब्लम है, फिर से शुरू मत कर देना ये सब। मेरा डांस करना हमारे चव्हाण परिवार के लिए शोभादायक नहीं है, इसलिए तेरा ससुर होने के नाते मैं तुझे ये सब करने से मना कर रहा हूँ। हाँ नीनाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ। और अश्विनी तुम्हें भी इस मामले में नीनाद का साथ देना चाहिए। एक मिनट, अगर कोई अपना शौक पूरा करना चाहता है, अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है? वही तो, देखा आप सब लोगों ने देखा ना कितना अच्छा डांस किया ना सई ने, और ऊपर से फर्स्ट प्राइज भी लेकर आई है कॉम्पिटिशन में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसको डांस करने से मना करने के बजाय उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए हम लोगों ने, है ना? हाँ तो ठीक है, अब ऐसा ही करते हैं, इसका कॉलेज छुड़वा ही देते और आज से उसको वे डांस सिखवाना शुरू करते, क्यों, है ना वहनी? बिल्कुल। ओ कम ऑन दादा, अपनी बहू को उसका पैशन ना फॉलो करने देना ना कितनी पिछड़ी हुई सोच है, सो बैकवर्ड। आज की औरत ना मॉडर्न है, इंडिपेंडेंट है, किसी के रोकने पे रुकेगी नहीं। नया जमाना नया वक्त, हा? जिनको इन्हें फॉलो करना है करे, लेकिन ये चव्हाण निवास है, इसके अपने कायदे और कानून हैं। जो यहाँ रहेगा उन्हें इस घर के नियम
मानने पड़ेंगे। मैं वैसे ही इस घर में रेफ्यूजी की तरह महसूस करती हूँ। आप लोग सब क्या चाहते हैं कि मैं एक कैदी की तरह फील करने लगूं? और काकू, आप कल जब परफॉर्मेंस देख रही थी तो आपको अच्छा लगा था ना? सच बोलेगा, थोड़ा तो अच्छा लगा था आपको? नहीं। अच्छा, लेकिन आप तीनों को देखकर तो लग रहा था कि आप बड़े खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे थे। मैं इतना परेशान करके, इतनी तकलीफ देके हमसे पूछ रही है परफॉर्मेंस अच्छा लगा कि नहीं? वाह। अगर आप लोग कल की बात पर मुझसे नाराज हैं, तो फिर कल स्टेज पर ही क्यों आए? नहीं आते ना स्टेज पर, मना कर देते, है ना? और काकू, आपने तो खुद मुझे अपने हाथों से अवार्ड दिया। हाँ। अब मना कर देती, हट जंगली मुर्गी, बोल देती। हाँ, दी थी ट्रॉफी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सबके सामने तुझे ना बोलकर तमाशा नहीं करना चाहती थी। अरे तुझे हो ना हो, लेकिन मुझे इस परिवार की इज्जत की बहुत फिक्र है। झूठ बोल रही है आप काकू। आप मान क्यों नहीं लेती कि आपको स्टेज पर आकर चीफ गेस्ट जैसा फील कर कर ये एहसास और लोगों की तालियां आपको अच्छी लग रही थी? मान क्यों नहीं लेती आप? अरे वो सब ऑडियंस के लिए था, तेरे लिए नहीं था। इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस देखकर, मेरी जीत से आप लोगों को थोड़ी भी खुशी नहीं हुई? और मैं फालतू में अपने दोस्तों के सामने कह रही थी कि मेरे ससुराल वाले मेरी जीत में मेरे साथ खड़े हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।